हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज एक नई रेसिपी ट्राई करेंगे। आज एक हम ड्राई फिश का रेसिपी बनाएंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत इजी सा रेसिपी है और ये फिश ना बहुत टेस्टी फिश होता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसको सावला रिबन फिश बोलते हैं। ये मतलब देखने में बिल्कुल स्नेक जैसा लगता है। ये बहुत मतलब टेस्टी फिश होता है। ये ड्राई फिश को हम अच्छे से कट लगा लेंगे एंड इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे कर लिया है इसको सारा कट लगा के। ये सॉल्टेड फिश रहता है इसलिए हम इसको थोड़ा पानी ऐड करके इसको भिगो के रख देंगे एक घंटे के लिए। तो यहाँ पे इसका जितना एक्स्ट्रा जो सॉल्ट है वो सारा निकल जाएगा। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। बस यहाँ पे हम इस पर टर्मेरिक पाउडर ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत सॉल्टेड है। बस इसको अच्छे से अभी मैरिनेट कर लेंगे। ये ड्राई फिश ना बहुत टेस्टी होता है, आप ये फिश ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी रहता है ये फिश। अभी मैंने यहाँ पे एक पैन गरम किया है, उस पर कुछ ऑयल ऐड किया है। अभी हमारा ये जो मैरिनेटेड ड्राई फिश है इसको अभी ऐड कर लेंगे। अभी देखिए बिल्कुल इसी तरह से दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। हमारा ये अच्छे से बिल्कुल फ्राई हो गया है, अभी इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। उसी सेम पैन में हम ग्रेवी के लिए यहाँ पे और थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे एंड यहाँ से थोड़ा सा पंचफुटन ऐड करेंगे। बस ये थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ चॉप्ड ओनियन ऐड किया है, इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे ओनियन बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी हम यहाँ पे एक मसाला ऐड करेंगे जिसपे हम मतलब मस्टर्ड सीड और गार्लिक, ओनियन और रेड चिली इसको ऐड करके इसको पीस लिया था, अच्छे से पीस लिए थे एंड इसका अच्छा सा एक स्मूथ पेस्ट बना लिए थे। अभी इसको अच्छे से कुक कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। अभी हम हमारा ड्राई मसाला ऐड करेंगे, टर्मेरिक पाउडर, सॉल्ट, और यहाँ पे सॉल्ट का मात्रा थोड़ा कम रखिएगा क्योंकि पहले से ये थोड़ा सॉल्टी ड्राई फिश रहता है, और क्यूमिन पाउडर एंड रेड चिली पाउडर। आप अपना टेस्ट क्या करेंगे, आप जितना आपको तीखा चाहिए उसी हिसाब से ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे रेड चिली मैंने पेस्ट में भी ऐड किया था एंड यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी। एंड अभी इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। ये जो मस्टर्ड मतलब पेस्ट रहता है ना, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होता है, तो ये ज़्यादा पकाएंगे तो तीता हो जाता है। तो इसको बस 2 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे। अभी मसाला का पानी भी है उसको अभी ऐड कर लेंगे।
मसाला का पानी थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, उसी के साथ इसको और थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। एंड आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हैं। अभी इसको ढक्कन लगा देंगे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से उबालने के लिए। देखिए आफ्टर 10 मिनट्स यहाँ पे अच्छे से कुक हो गया है। अभी यहाँ पे मैंने 2 ड्राई मैंगो लिया था, उसको अभी हम अच्छे से धो के क्लीन करके रखे थे, उसको भी ऐड कर लूँगी। एंड कवर फिर से मैं लॉक कर दूँगी और थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। ये 5 मिनट के बाद हम जो ड्राई फिश को हम मतलब फ्राई करके रखे थे उसको अभी ऐड कर लेंगे। एंड अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। यहाँ पे तो ग्रेवी हमारा बिल्कुल रेडी है और 2 मिनट के लिए पका लेंगे इसको। ज़्यादा नहीं पकाएंगे नहीं तो ये सारा टूट के ग्रेवी के साथ मिक्स भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। देखिए अभी हमारा ये यहाँ पे ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। मैं यहाँ पे 2 ग्रीन चिली को स्लाइस करके ऐड करूँगी थोड़ा और तीखापन के लिए, और इसका टेस्ट भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम जस्ट लास्ट एंड में गार्निश करेंगे कोरिएंडर लीव्स के साथ। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स भी ऐड करूँगी। अभी इसको गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे एंड अभी इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। आप इसको दाल चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, गर्मा गर्म इसको सर्व कीजिएगा। ये देखने में भी जितना यम्मी लग रहा है खाने में बहुत कहीं गुना ज़्यादा यम्मी है। आप ये फिश अगर ट्राई करेंगे ना तब आपको पता चलेगा। ये सावला फिश मतलब ईजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, ये बहुत यम्मी टेस्टी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पे हमारा बिल्कुल रेडी है सावला ड्राई फिश मस्टर्ड ग्रेवी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।